नमस्कार पचारुछ ओडिशा कार्यक्रम एक दमदार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दशबंधु धामनगर उपनिर्वाचन को नहीं जो कल्पना जल्पना जारी रही जारी उपरे सारा ओडिशावासी नजर रही जे धामनगर उपनिर्वाचन रे किए जितुची किए हारुची क्या शिक्षा मिल किए दीक्षा नहीं कि आग को बढ़ सबू कल्पना जल्पनार अंत घटी भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी सूरज सूर्यवंशी विजय लाभ करमें तुम साधुवाद जनाऊु जे से विजय लाभ करें गणतंत्र को सम्मान दे निज निज स्तर में लड़े करुले विजु जनता दल प्रार्थी हूँ किंबा स्वाधीन प्रार्थी राजेन्द्र दास हूँ किंबा कांग्रेस विधायक प्रार्थी हूँ किंबा आउ जड़े स्वाधीन प्रार्थी हूँ से माने निज निज स्तर में जो भी भाव लड़े कले आज गणतंत्र रे समस्ते साधुवाद जनाऊंट जे एभले एक लड़े हैला तो सब तो राजनीति रे जीत हार लागी रही किंतु जेते बेले निर्वाचन समय पाखे आसे दर्शक बंधु जेते बेले निर्वाचन होता है से गणमाध्यम भूमिका टी कौन दर्शक बंधु गणमाध्यम भूमिका होची एहा जे सही अंचल साधारण लोक माने साधारण वोटर माने कौन कहते से मानकर मानसिक स्थिति कौन कहती से माने विकास को भल पाउचंती ना अनुकंपा को भल पाउचंती ना अवकर प्रसंग को लेकिन से माने निर्वाचनी बैतरणी पार होगा चेष्टा कर दर्शक परिप्रेक्षी रे सुनील बाबू एवं मु निजे धामनगर जिते सब जगह बुलिलु जिते सब पंचायत बुलिलु पखापाखि दर्शक बंधु आपण माने एक स्वीकार करिबे जे 500 रु अधिक भोटर साधारण लोकों साथी रे स्थानीय लोकों साथी रे आमे आलोचना करिछु कौनसी व्यक्ति विशेष शंकर से विजु जनता दल कर्मी हूँ कि जड़े साधारण भोटर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समर्थक हूँ कि कांग्रेस कर्मी हूँ कि राजेन्द्र बाबूंर एकांत खास अनुगत हूँ तो सब आम सब वर्गर व्यक्ति विशेष को साथी रे आलोचना करूँ 500 लोकों प्रतिक्रिया आम गणमाध्यम आम स्पष्ट भाव आपण रखीचु आपण भी यह देखिकी आम को बहुत उत्साहित कर दर्शक बंधु स्पष्ट भाव कह चाहे सुनील बाबू भी मो कथे सहमत हे ओडिशा रे एभली कौनसी गणमाध्यम संस्था ना जे कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को सत्साहस सहित सबकि रखिपार आपण गणमाध्यम स्थिति को बेस भल भाव जानते आम से भितर को जवाकू चाहून एमती अनेक गणमाध्यम संस्था अच्छा जदि शासक दल विरुद्ध किए कहला ताले से साधारण लोकर प्रतिक्रिया को कान छाट करके देखेबे जदि विरोधी दल बा भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध किए कहला ताले राज्यर सबुठ अग्रणी गणमाध्यम संस्था ताकू भी कान छाट करने को पछुना कि दशमे सबू बाद बिवाद भितर आम स्पष्ट भाव एवं निर्भीकतार सहित एक आपण रखा चाहूँ जे आम से गणमाध्यम बा से भली सांबादिकता उपरे आमे विश्वास करूना जहाँ साधारण लोक कहती आम आपण रखु यह आपण स्वीकार करिचंती देखी दर्शक बंधु आम जेतेबेले 500 लोकों सहित कथबार्ता करूँ 2,34,000 भोटरों पाखे पहुँचवा ना साधन सुनील बाबू पाखे अच्छी ना मो पाखे अच्छी आम जी लोकों सहित कथा हलु जो भी भाव लोक प्रतिक्रिया रखुले वातावरण जो भी भाव थिला से आधार रे आम एक स्पष्ट भाव आपण रखीलु जे विजु जनता दल बहु व्यवधान में जितने जाऊँगी कहीं कौन रेकर्ड ना 2019 पर जे विजु जनता दल कौन उपनिर्वाचन में पराजयर मुखा देखी नवीन बाबू का चेहरा कोटे काम देना एक आपण मैंने देखी ना धामनगर भली एक उपनिर्वाचन रे जोटी की भारतीय जनता पार्टी विधायक थिले अवर्तमान खूब शीघ्र जिते बड़े निर्वाचनी
तारीख घोषणा हो गला। दर्शकबंधु भारतीय जनता पार्टी जे प्रार्थी थिले स्वर्गत विष्णु बाबू पुओ प्रति सुरत सूर्यवंशी प्रति धामनगरवासी अहेतुक अनुकंपा रहा एक आमको स्वीकार करने को पड़ो एवं बारातर आम जो कथा कह चाह जदि गोटे उपनिर्वाचन फलाफल को लेकिन जब आप एक आकलन लगे जे सुनील बाबू सुधांशु बाबू को ग्राउंड जीरो रो रिपोर्ट फेल मारा। हाँ दर्शक बंधु कोर्ट ना कोर्ट आम प्रत्येक वर्गर सबू लोक पहुँची पारिना एक आम स्वीकार करुचु गणमाध्यम प्रतिनिधि हिसाब से जो सचोट निर्भीक सांबादिक भाव आम एक स्वीकार करुचु आपण जे हाँ आम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कोर्ट ना कोर्टे बोध हुए आम अधिक लोक सहित मिसी पारिना अधिक तथ्य को आम एकाठी कर पारिना तेणुक आमर आकलन अनुसार आम आपण पाखे ये तथ्य को रखिल दर्शक आपको खाली मन पकईदे जाए सुनील बाबू हूँ कि मुझे सारा भारत बर्षे जिते सब निर्वाचन हो सारा भारत बर्षे जिते सब घटना घटी जा दिल्ली निर्वाचन हो पश्चिमबंग निर्वाचन हो सारा भारत बर्षे चाषी आंदोलन हो दर्शक बंधु ये सब कथा आम आपण सामने स्पष्टतार सहित जहाँ सत ताण रखीचु या कोई अनेक आम को समालोचना किंतु दर्शक बंधु सतरु आम के दूरे जाइनु कि मैदान छाड़ी आम पल कहीं साधारण लोक जो कथा कहते जो भाई भाव प्रशासन को बा सरकार को टार्गेट चासी माने डेढ़ वर्ष काल बसले दर्शक बंधु ओडिशा एम कौन गणमाध्यम संस्था ना एक छाती में हाथ दे किपारे जिते बड़े सारा देश में लक्ष लक्ष चाषी आंदोलन करुले से अधिकार लड़े करुले से सपक्ष मुह पदुटीए खोली ना किंतु आपण एक स्पष्ट भाव देखी जे सुनील बाबू हूँ कि मुझे चाषी आंदोलन समय दिल्ली में थंडा काकर कोड़े दिन काल चाषी सहित समय बीतेलु चाषी दुख को बुझल और चाषी जो आंदोलन को देखिक आम एक स्पष्ट भाव कहीलु आज नाषी आंदोलन सामने चाषी दाबी सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार को मुंड नुएवाक पड़ो ये हूँ दर्शक बंधु आम निर्भीकता ये हूँ आम स्पष्टवादी कथबार्ता अनेक समय एभली घटना घटे दर्शक बंधु जोटी की आपण को माने विचार करने को निष्पत्ति नाक कोर्ट ना कोर्ट आपणकर माने समस्या थाए से घटना घटी गणतंत्र को सम्मान देवाक पड़ो धामनगरवासी को आपण को सम्मान देवाक पड़ो किए जीतिला किए हारिला ये सबुर ऊर्ध को जाए जब आप सत्य को ग्रहण न करेंगे ताहले आपण भी आग को बढ़ी पारे लोकों पाख को जापारे लोकों से उत्साह उद्दीपना को आप देखिपारे ना खास से दर्शक बंधु आज जिते बड़े सारा ओडिशावासी धामनगर उपनिर्वाचन पर फोकस रही समस्ते उत्कंठार सहित देखुले गणमाध्यम को आमर मध्य जिते सब कार्यक्रम हो दिन सारा हजार हजार लोक आपको देखी समस्ते प्रश्न कर आकलन कहीं भूल हो गला दर्शक आकलन भूल हो स्वीकार करा ना आमर भूल है जे आम धामनगरवासी मुड को भल भाव पढ़ी पारू ना बुझीपारू ना का से तो दर्शक बंधु आज कहचु जे धामनगर उपनिर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी जे नेतृत्व नौले जी कि आगे सैनिक भाव लोक निज कर्मी को उत्साहित करुले मान्य केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज जितापट हो मान्य केन्द्रमंत्री रणनीति को नहीं भारतीय जनता पार्टी रणनीति को नहीं आम जो प्रश्न उठाऊ संभवतः कोर्ट ना कोटी आम आकलन में त्रुटि रही ग्रहण करिबारे कौन द्विधा ना दर्शक बंधु खास से तो आम कौच बारंबार कहूँ धामनगर उपनिर्वाचन में केन्द्रमंत्री मान्य धर्मेन्द्र प्रधान जितापट हो आम जो आकलन करूल आमर पराजय हेची आमे ये हार को स्वीकार करूचु विचार करिबे ओडिशावासी सुनील बाबू दर्शक बंधु आज धामनगर राय को धामनगर जनादेश को
मु प्रथमे स्वागत करुची एवं अभिनंदन जनाउची भारतीय जनता पार्टी रा प्रार्थी स्वर्गत विष्णु सेठी का सुपुत्र सूर्यवंशी सूरज को विजय पाए। आज सूर्यवंशी सूरज को सारा धामनगर वासी आशीर्वाद करिछन। स्वर्गत विष्णु सेठी का वियोग परे धामनगर जो शून्य स्थान सृष्टि होता से शून्य स्थान आज पूरण हो। आज धामनगर वासी तंकर राय रे स्पष्ट करिछन जे आज भी विष्णु बाबू का वियोग परे भी विष्णु बाबू का परिवार प्रति धामनगर वासी समवेदना अच्छी अनुकंपा अच्छी। देश बंधु आमे जेते बड़े धामनगर को लेकिन आकलन आरंभ कलु रिपोर्टिंग आरंभ कलु सेते बड़े धामनगर प्राय 500 रु अधिक लोकों को आमे भेटीचु। आमे अनकट कोनोसी धामनगर वासींकर कहार भी कोनोसी मत को आमे कांट छांट करी ना हूं। आमे आपन को स्पष्ट भावे धामनगर वासी कही थिबा कथा को आमे आपन को पाखरे पहुंचीचु। सेथिरे बिजु जनता दल समर्थक प्रशंसक अछंती भारतीय जनता पार्टी को पसंद करुथुबा एवं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करुथुबा समर्थक मध्य अछंती। आमे प्रयास करिनौ जने गणमाध्यम भावे आमर जो कर्तव्य को आमे पालन करिछु। आमे ए प्रयास करिनौ जे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करुथुबा व्यक्ति विशेष कर कथा को आमे कांछण करि दबो तांका कथा गे आमे रोक लगाई दबो। देश बंधु एभली प्रयास आमे जमा करि नाउ आमे आपन को अनकट धामनगर वासींकर कथा सुनैछु ने आगु को भी कोनोसी व्यक्ति विशेष का प्रतिक्रिया को आमे कांछण करिबो केबे भी करि ना आमर से निर्वाचन रे। देश बंधु आमे कोनोसी व्यक्तिंकर मत को आमे केबे भी कोठी भी काटी ना हो कट करी ना। नंबर 1 नंबर 2 देश बंधु आमे जो आकलन करूथुलु जेतु नवीन पटनायक प्रचार करिबा परे ता पूर्वरो आमे जेतिक आकलन करिचु आलोचना करिचु ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करिचु सेतेरे बिजु जनता दल प्रति विपद तिबा कथा आमे स्पष्ट भावे कहिचु। आमे कहिचु देश बंधु जे बिजु जनता दल कर्मी माने दिन रे अवंती राति रे राजुदास होउचंदी एक कथा आमे स्पष्ट भावे कहिचु। एवं परवर्ती मुहूर्त रे मध्ये एक कथा मध्ये आमे कहिचु जे सकाळे अवंती मध्याह्न रे भारतीय जनता पार्टी राति रे राजुदास एक कथा मध्ये आमे कहिचु। बहुत सांघातिक एक कथा आमे सचेतन भी करिथिलु। देश बंधु धामनगर कर्मींकर एवं धामनगर वासींकर जो मत थिला एवं धामनगर कर्मी जो माने थिले बिजु जनता दल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कांग्रेस से माने ए निर्वाचन को को भली भावे परिचालना करबा पई चाहुतले। देश बंधु आज रिजल्ट परे ता स्पष्ट हो गला। आपण आज एक कथा कहि परिबे नै जाजी सूर्यवंशी सूरज को मिलिथिबा जो जनादेश रे बिजु जनता दल किछि कर्मी कर समर्थन नाही बोली एक कथा को आपण अस्वीकार करि परिबे नै जहां में पूर्वानुमान करतलु जहां में स्पष्ट भावे हम आपण को कहि एवं जो जो कथा को लेकिन धामनगर रे बिजु जनता दल प्रति विपद थिबा कथा चर्चा हेची एक कथा को मध्य दर्शक बंधु आम आलोचना करिछु। आज जो भोट र परिणाम परिमाण बिजु जनता दल को अर्थात नूतन भाव जन महिला प्रार्थी अवंती दास को मिली पाखापाखि 70,000 भोट। देश बंधु 70,000 भोट मध्य एक दर्शाऊ जे धामनगर रा 70,000 भोटर चाहुतले जे धामनगर विकास हो विकास सहित थिले जो नारा बिजु जनता दल दउथला। आज बिजु जनता दल रा सहित 70,000 भोटर अछन्ते। अन्य पटे दर्शक बंधु भारतीय जनता पार्टी को जो 80,000 पाखापाखी जो भोट मिली जो जनादेश आसी ए 80,000 भोटर एक चाहुतले जे स्वर्गत विष्णु सेठी वियोग परे
ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଏ ଆସନକୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯାଉ, ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାକୁ କୁହାହଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନୁକମ୍ପା। ମୁଁ ଏବେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜକୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ନିର୍ବାଚନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୌଣସି ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ କରି ନିଜର ମନ କଥାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାବବିହଳ ହୋଇ ନିଜର ମାଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏ 18 ମାସ ଭିତରେ ସେ ବିକାଶ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 18 ମାସ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ 18 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଧାମନଗରରେ ବାକି ଥିବା କାମକୁ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ଯେ 18 ମାସ ସମୟ ଦିଅ, ଆମେ 5 ବର୍ଷର କାମ କରିକି ଦେଖେଇବୁ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି। ଦେଶବନ୍ଧୁ ନିର୍ବାଚନ ହବ ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତ ହବ, ଏହା ନୁହେଁ କି ସୁନୀଲ ମୁଁ କି ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଯାହା ହାୱା ଥିଲା, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ବହୁ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତି ଯାଇପାରେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭରସା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଇଛି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇମୋସନ ଭଲ ପାଇବା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠିଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇନଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ପଣ, ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମହାନତା, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରାଜୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ ପଡ଼ିବା ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠୁ ଆଉ କେହି ଅଧିକ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଖାସ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୁନୀଲ ବାବୁ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଥର ପୁଣି ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୋଟି ଚଳେଇଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁକମ୍ପାର କଥା କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ 18 ମାସ ସମୟ ଦେବା କଥା କହୁଛି, ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଭାରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ଦେଶୀୟ ବନ୍ଧୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାମନଗରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଦାମନଗର ଏବଂ ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟରେ, ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ରାଜନୀତି ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଛି। ଏକଥାକୁ ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହବ ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ କାହାର ନା କାହାର ହାର ହବ ଏବଂ କାହାର ନା କାହାର ଜିତାପଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, 500 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ
धामनगर बासिंकर मूड पड़ीबा देशे बंधु कष्टकर ही पड़ला। लोक जहां कहुथले ताहर ओलोटा रिजल्ट सामना को आसिला। सीट पाइन देशे बंधु आमे कहुछु आज स्पष्ट भावे जे धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल जितापट हेछि तर कारण होछि तांका रणनीति ए निर्वाचन रे पास हेछि। आ पूर्वर अनेक निर्वाचन धर्मेंद्र बाबू परिचालना करिछन्ते बहु निर्वाचन रे धर्मेंद्र बाबू को रणनीति फेल हेछि। एक कथा को भी आमे स्पष्ट भाबे कहिछु विगत दिन रे एवं आगु को मध्य स्पष्टता रो सहित अपन बालेश्वर रे देखो बालेश्वर रे भारतीय जनता पार्टी रा आसन थिला सेठी भारतीय जनता पार्टी रा पराजय हला। किंतु धामनगर रे देश बंधु एक कथा स्वीकार करबा को पड़िबो केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को रणनीति पास हेछि। एवं आमे जो आकलन करितुलु दशेबन जे धामनगर रे बहु व्यवधान रे बिजू जनता दल रा विजय हबो बोली आमर आकलन भूल हेछि। एक कथा को दशेबन ओ स्वीकार करिबारे आमर कोनसी दुविधा नै। दशेबन आज सारा देश रे गणमाध्यम रे डिजिटल प्लेटफार्म रे गोटे गोटे मिनिट 26 सेकंड रो ऑडियो वायरल होउछि एवं तार उपरे अनेक गणमाध्यम चर्चा मध्य करुछन्। से भिडियोटी है दर्शक बंधु जो भाई भाव ओडिशा रे धामनगर उपनिर्वाचन अनुष्ठित है ठीक से भाई भाव हिमाचल प्रदेश रे भी एक उपनिर्वाचन हवा को जाऊँ संसदीय क्षेत्र रे सेठी जे भारतीय जनता पार्टी पक्षर टिकेट पाइबापाई आशावादी थे मात्र 54-55 भोट्रे पराजय बरण करते बेस आशावादी थे जे भारतीय जनता पार्टी टिकेट दब शेषे भारतीय जनता पार्टी टिकट न देवु से स्वाधीन भाव ओडिशा जो भाई भाव धामनगर राजू बाबू विजु जनता दल जो टिकट न देला स्वाधीन भाव नामांकन पत्र दाखल कले ठीक से सामान ढंग से भारतीय जनता पार्टी दूरे जावापर संसदीय क्षेत्र में फतेहपुर निर्वाचन मंडली दर्शक बंधु से स्वाधीन भाव नामांकन पत्र दाखल करने निष्पत्ति ने जितेबले फतेहपुर से नामांकन पत्र दाखल करने निष्पत्ति ने दर्शक बंधु आप चिंता करे व्यक्ति विशेष को बुझेवाई किए ताखक जाए किए ताक फोन करेंगे। दर्शक बंधु भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व देशर प्रधानमंत्री से ही संसदीय क्षेत्र में जे कि विद्रोही प्रार्थी तांकु फोन करुचंती कहुचंती जहाँ किछ हबो मु बुझी नबे किंतु आपण ए निर्वाचन दूरे कि रुहत। दर्शक बंधु एक कथा मु कोनोसी तथ्य न थाई कि कहुना समस्त गणमाध्यम रे एही ऑडियोटी घूरी बुलुची अर्थात कहिबाकु चाहू आमे जे नवीन बाबू से स्तर को जानती नाही नवीन बाबूंकर जो भावमूर्ति नवीन बाबूंकर जो विकास चिंताधारा नवीन बाबूंकर जो टेक रही ओडिशावासी सामना रे विजु जनता दल रु किए विद्रोह कि बाहरी जीव नवीन बाबू जाकि गोड़ तले पड़े दर्शक बंधु ओडिशा राजनीतिक इतिहास आम के देखी ना खास तो कौच जे गोटे धामनगर उपनिर्वाचन जे पराजय हो गले विजु जनता दल आसंता 2024 सफा हो विजु जनता दल उपरे बहुत बड़ प्रभाव पड़ दर्शक बंधु यह आद नुहे विजु जनता दल एक सर्वबृहत राजनीतिक दल ओडिशा दीर्घ वर्ष धरिक शासन कर नवीन बाबूंर से विकास धारा बजाय रही जहाँ को लेकिन पांच पांच थर नवीन बाबू को आशीर्वाद कले मुख्यमंत्री हेले नवीन पट्टनायक से ही दल रे आपण माने कथा को स्पष्ट भाव देखी दलर सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास जिते सब उपनिर्वाचन होती भाव निखुणतार सहित परिचालना करवबृहत विजय मध्य जिते कठिन परिश्रम होना कहीं जिते अभावन स्थित घटना कहीं प्रणव प्रकाश दास मैदान छाड़ी चली जाए ना दर्शक बंधु से समान कथा धामनगर में प्रणव बाबू जगिकी थे कहीं निर्वाचन लोकंर होकों पर हूँ तेणु लोक कि समस्त सुविधा सुजोग पहुँचव विकास कि आगक जीव बबी बाबू सेठी यहाँ को लेकिन रणनीति करुले गोटे धामनगर उपनिर्वाचन में विजु जनता दल पराजय बरण करा
यार प्रभाव सांगठनिक संपादक प्रण प्रकाश दास पड़ दर्शक यह भाविबा एक वृथा आस्फलन हम यार प्रभाव विजु जनता दल पड़ ग्राउंड जीरो पड़ या जदि को माने चिंता करुवे आम कहबू से माने भूल आकलन कर दर्शक समस्त मनरे आज जो प्रश्न उठू जे एत सबुपर भी विजु जनता दल धामनगर में केमी हार कहीं हार कौन रही रहस्य प्रश्नर जवाब समस्त जानवाक चाहते सुनील बाबू एवं मु एक को देखीचु जे जो भाव 2019 आरंभ कर 2022 भितर जो पांचटी उपनिर्वाचन जो भाई ढंग से विजु जनता दल लड़े करूला से शैली संभवतः कोटना कोटी धामनगर टी त्रुटि थिला जहाँ को से जोश रे बोध हुए लड़ी ना विद्रोही प्रार्थी राजेन्द्र दास को बुझेवाई जी कसरत करार आवश्यकता थिला बोध हुए कोटना कोटी सामान्य त्रुटि रहा जहाँ को लेकिन राजू बाबू स्वाधीन भाव नामांकन पत्र दाखल कले जो जीक भोट से पाइले से भोट जदि राजू बाबू बीजेडी था बीजेडी को यही पराजयर मुखा देखा मिल न था दर्शक राजनीतिर अनेक अंक एमती कसा जाए एमती अनेक राजनीतिक समीकरण गोटी चालना अनेक अंक को बिगाड़ी दिए धामनगर एभली एक परिस्थिति देखादला केवल सुनील बाबू जे धामनगर वासी मुड को परखी पारे ना केवल जे सुधांशु मु निजे धामनगर वासी कथा को बुझी पारी ना दर्श बंधु यह एमती घटे यह को अस्वीकार करिबारे कौनसी दिधा ना खास से तो आम बारंबार जे अनेक उपनिर्वाचन देखला जो आशा भरोसा विश्वास धर्मेन्द्र बाबू रहा कथा जो मैंने कि हरई आज से भारतीय जनता पार्टी कर्मी मनरे उत्साह आसी उद्दीपना आसी गोटे दंभ दृढ़ोक्ति मनोभाव आसी ना भारतीय जनता पार्टी किसी पार जी आज एभली घटना घटी ताले मान्य केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को आम धन्यवाद दबारे बा जो रणकौशल को प्रशंसा करिबारे आम कौन कुंठा बोध करूना धर्मेन्द्र बाबू को जितापट हो आम तर रणनीति को आकलन करिबारे आमर कोटना कोटी त्रुटि रही आम यह स्वीकार करुचु खास से तो कौचु जो हाँ कोटना कोटे आमर हार हो विचार करेंगे ओडिशावासी सुनील बाबू देशबंधु बार बार हार पर पराजय पर भारतीय जनता पार्टी रे सूर्योदय होई एक को आज सारा ओडिशा स्वीकार करिबो सारा ओडिशा वासी स्वीकार करिबे एवं भारतीय जनता पार्टी रा तमाम नेतृवृंद मध्य स्वीकार करिबे जे बारंबार पराजय परे बारंबार हार परे आज भारतीय जनता पार्टी रे सूर्योदय होई अर्थात सूर्यवंशी सूरज के विजय आज सूर्यवंशी सूरज को राज्य भारतीय जनता पार्टी जिते प्रशंसा कले भी कम देश बंधु कम है तार कारण कौन तार कारण हूँ देश बंधु से ही धामनगर रे चार पांच मास पूर्व पंचायत पौर निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी एकदम संपूर्ण भाव सफा हो जाए यदि पंचायत निर्वाचन फलाफल को आपण आकलन करिबे ताले आपण मध्य अनुभव करिबे जो उत्कंठा आपण का मन भितरे थिला बिजु जनता दल आसन जितिबो बोली जे पंचायत रे विराट बड़ा विजय एवं पौर उपनिर्वाचन रे पराजय देश बंधु एक कथा को केही आकलन करिन जो पंचायत रे जहाँ रिजल्ट हम ता उपनिर्वाचन रे ता रिजल्ट हम एक मध्य कि आकलन एवं द्वितीय कथा देश बंधु केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कर जो निष्ठा सूर्यवंशी सूरज को जीते बापाए जो सूर्यवंशी सूरज को धामनगर रो सूर्योदय करिबा पाए धर्मेन्द्र बाबू जो अक्लांत परिश्रम कर जो रणनीति करी जो गोटी चले आज से गोटी चलेबारे धर्मेन्द्र बाबू सफल होती आज धर्मेन्द्र बाबू को मध्य सारा ओडिशा धन्यवाद दूच धर्मेन्द्र बाबू कही वक्तव्य विजय वार्ता
जो राज्य रे जगन्नाथ महाप्रभु छथि से राज्य के बे अंधार हुए ना धर्मेंद्र बाबू एक कथा मते जानि छथि जे केबे ना केबे अंधारे थिबा भारतीय जनता पार्टी आलोक जीव एवं केबे ना केबे भारतीय जनता पार्टी तार निजर जदि दोष दुर्बलता को ठीक न करिबो पुनी अंधार को आसी जीव अर्थात 2019 रे जो फलाफल भारतीय जनता पार्टी को मिलितला ता 2019 परे जिते गुडी निर्वाचन हेची अर्थात पंचायत निर्वाचन हेची पंचायत निर्वाचन रे से भली फलाफल मिली पाला ना एक कथा मध्य भारतीय जनता पार्टी रे तमाम नेतृबृंद स्वीकार करिवे अर्थात दर्शक बंधु लोकंकर मूड केते बळे स्विंग हबो लोकंकर मूड केते बळे परिवर्तन हबो लोक केते बळे कहा को प्रार्थी को दल को चाहिबे एक कथा को आपण आकलन करबा पूर्वरु आपण कोण करिचंती आपण केते परिश्रम करिचंती ता बाबद रे मध्ये आकलन करबा को पड़ी दर्शक बंधु अनेक लोक अनेक कथा कहते प्रायत धामनगरवासी विकास रे कथा कहते कहे नवीन बाबू का सरकार अच्छी यदि नवीन बाबू का प्रार्थी को दिया जाए ताले कुआडे धामनगर रा विकास हम और अनेक धामनगर वासी का मन भितरे संदेह थिला प्रार्थी को नहीं की बिजु जनता दल रा प्रार्थी को नहीं की एवं राजू दास के प्रति जो बड़ी भावे विद्रोह हिची अर्थात धोखा हिची ताकू नहीं की मध्य क्षोभ थिला जो कथा सुधांशु बाबू कहते जोटी प्रधानमंत्री जन सांसद प्रार्थी को बुझेबा टेलीफोन करके कहते से निर्वाचन टिके विरती रुहतु से दर्शक बंधु जिते राजू बाबू निष्पत्ति नहीं गले से स्वाधीन प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़बे बोली ओडिशार मुख्यमंत्री विजु जनता दल सुप्रीमो राजू बाबू को आउ तांकर नियंत्रण को आरिबा पाए प्रयास करी ना सुनील बाबू सुप्रीमो कथा छाड़ंतु सांगठनिक संपादक से प्रयास कले यस yes! विधायक माने से प्रयास कले कि भद्रक रे कोनो से राजनेता से प्रयास कले कि अर्थात दर्शक बंधु बिजु जनता दल सुनील बाबू सदा बळे गणतंत्र उपरे विश्वास करे एवं समस्तंकर स्वाधीनता अछि नवीन बाबू मत्र एक कथा को सम्मान देले दर्शक बंधु से पांच दर्शक बंधु आमे को यदि आज राजेन्द्र दास भी विजय आज ओडिशार मुख्यमंत्री विजु जनता दल सुप्रीमो विजु जनता दल सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास स्वागत करी थांदे ता कारण हुचि जनादेश को दामनगर वासी राय को समस्त दर्शक बंधु सम्मान जनेबे एथिरे कोनोसी दुविधा ना किंतु दर्शक बंधु जो कथा को नहीं कि बेसी गुड़िया घंटा हो कड़े सुधांशु बाबू सुनील बाबू ए निर्वाचन को लेकिन अधिक उत्साहित थे विजु जनता दल जीति जाओ देश बंधु से कथा नुहे आम आपण पहुंचीचु धामनगरवासी पाखे पहुंचीचु धामनगरवासी कथा को आम सीधा सल भाव प्रसारण कर जो टेम्पो थिला विजु जनता दल को लेकिन जो भाई भाव उत्साह थी विजु जनता दल को एवं भारतीय जनता पार्टी रणनीति एत डीपली हम एक देश बंधु आम आकलन करना कारण 13 सभा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कले जनसभा कले से माँ मान को फोकस करागला मिशन शक्ति को गुरुत्व दिगला जे माँ मैने विकास को फोकस करी जो जो वार्ता नवीन बाबू देले आज से वार्ता को 70,000 भोटर दामनगर समर्थन जन छोट अंक नुहे दर्शक बंधु अमान थरे खाती बीजेडी प्रार्थी अर्थात दर्शक बंधु आज भी दामनगर रे नवीन बाबू को लेकिन 70,000 भोटर नवीन बाबू को प्रशंसा कर समर्थक अच्छा नवीन बाबू को भल पाच हार जीत हम देश बंधु बीजेडी 70,000 पाइला भारतीय जनता पार्टी 80,000 पाइला 10,000 अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलला जो माने चाहूं थिले
जे बापा अधूरा काम को सूर्यवंशी सूरज करके देखातु अर्थात दर्शक बंधु जो कथा आज सूर्यवंशी सूरज गणमाध्यम को कही ये अधिक उत्साहित हबार कौन कारण ना धन्यवाद देवी सूर्यवंशी सूरज को जो भाई भाव आज गणमाध्यम को से वक्तव्य देखते जेथे उत्साहित हबार किछ कारण ना दामनगर बासी दायित्व दे बड़ दायित्व 18 मास भीतर दामनगर विकास करने ये सूर्यवंशी सूरज भारतीय जनता पार्टी पाई बड़ चैलेंज दर्शक बंधु मान्यवर माने जो माने दामनगर बासी को बड़ बड़ भाषण देकी बड़ प्रतिश्रुति आशा करी मान्यवर केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सब प्रतिश्रुति को पालन कर 2024 भितर सफल हेबे कारण धामनगरवासी को जदि कथा देकी कथा न रखती धामनगरवासी तार जवाब दियंती एक कथा आज प्रमाणित हो जाए बता सारा धामनगरवासी गोटे कथा चर्चा हो ये धामनगर नुहे ये धर्मनगर दर्शक बंधु आज धर्मर जय हो धामनगरवासी रायर जय हो धामनगरवासी विजय हो कथा को पुनर्बार दर्शक बंधु समस्ते स्वीकार करने को पड़े कि दर्शक बंधु धामनगर उपनिर्वाचन सारा ओडिशार राजनीति को कौन वार्ता देवाक चाहिला आज निर्वाचन फलाफल सामना को आसवा पर जो ओडिशावासी मन में तथा जो माने राजनीति करुछते जो माने राजनीति उपरे गवेषणा करुछते जो माने राजनीति को तन्न तन्न करके देखुंट से मन रे जो प्रश्न उंकी मारुला जब धामनगर उपनिर्वाचन फलाफल जहाँ आसब तार प्रभाव 2024 साधारण निर्वाचन उपरे कौन पड़ो दर्शक बंधु धामनगर उपनिर्वाचन शासक दल विजु जनता दल को एक शिखेदेला जे जो भी भाव राजनीतिक समीकरण अच्छी ताकू नहीं रणनीति करने को पड़ो नले कोटना कोटी नवीन बाबू को लोकप्रियता थिबा सत्वे साधारण लोक कोटना कोटी ग्रहण करि पारु ना दक्ष संगठन संपादक थिबा सत्वे कोटना कोटी तळिय बा तळर जो कर्मकर्ता माने अछंती कमी माने अछंती सेमानक उपरे लोकंकर कोटना कोटी टिके भरोसा पाइला जदि एही समीकरण को विजु जनता दल आसंता दिन रे बुझि पारिबो नाही एवं दिगर जदि सतर्कता अवलंबन करिबो नाही ताल दर्शक बंधु 2024 साधारण निर्वाचन को गंडा गंडा राजू दास सामना को आसीबे एभली एक भयंकर परिस्थिति को विजु जनता दल सामना करि पारे किंतु जो भी भाव नवीन बाबूंकर जो विकास धारा को लेकिन जो दूरदृष्टि रही 5T सचिव वीके पांड्यान जो भी भाव ओडिशावासी प्रति निष्ठापरता रही एवं दल को मजबूत करिबारे जो भी भाव सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास प्रतिबद्धता रही स्पष्ट भाव स्पष्ट कर दूची जे आग को विजु जनता दल आहुरी सक्रिय भाव दंभर सहित लड़े करिबो एवं षष्ठ थर मुख्यमंत्री शपथ नेबे कि दर्शक बंधु कांग्रेस पाई मध्य एक सतर्क घंटी भारतीय जनता पार्टी पाई मध्य एक सतर्क घंटी जो दम रे जो रणनीति रे भारतीय जनता पार्टी धामनगर लड़े कला जदि आसंता दिन रे पद्मपुर उपनिर्वाचन हो कि साधारण निर्वाचन को जीवा पूर्व जिते सब निर्वाचन हवा को जाऊँगी हबार अच्छी साधारण निर्वाचन समय भी जदि भारतीय जनता पार्टी तार रणनीति को से सुदृढ़ न कला ताले आज जय जयकार आसंता दिन में लोप पाई बालेश्वर सदर भाई विधानसभा क्षेत्र पाखे सत्वे से नहीं पार ना 2017 मसीह पंचायत निर्वाचन में अधिक सफलता पाई सत्वे 2022 धराशायी हो गले से पुनरावृत्ति जदि भारतीय जनता पार्टी तार रणनीति को जदि सुदृढ़ न कर फोकस न कर दर्शक बंधु विगत 5टी उपनिर्वाचन जो परिणाम आसी 2022 पंचायत निर्वाचन जो परिणाम आसी भारतीय जनता पार्टी पाई एभली समस्या छिड़ा करदेव जदि जातीय कांग्रेस
ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଧାମନଗରରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କ'ଣ ଉଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନିଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ରାଜନୀତିରେ ବି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୌଣ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଏଇ ଆଠ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନେକ ସର୍ଭେ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା, ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଅନେକ ଭୁଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ଲାଭ କରୁଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଇଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଭୁଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆକଳନକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକତା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମଇଦାନରୁ ଦୌଡ଼ିବା, ଏହି ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ନା ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଦଶବନ୍ଧୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ଆକଳନ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବୁ। ଯେମିତି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ, ଠିକ୍ ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉ କିମ୍ବା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ବି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର, ସୁନୀଲ ବାବୁ। ଦେଶବନ୍ଧୁ, ଧାମନଗରର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହେଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଦେଶବନ୍ଧୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଦ୍ରକର ସାଂସଦ, ସେ କୁଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମୁଁ ନୁହେଁ ଦେଶବନ୍ଧୁ, ଏକଥା ସାରା ଧାମନଗରରେ ଡିପ୍ 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 ହେଇକି ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ଦେଶବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ, ଯେ ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ହେଇପାରେ। ମୁକ୍ତି ବାବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସହିତ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜନୀତିର ପାଚେରୀକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଏ ଘଟଣା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତା ଦେଶବନ୍ଧୁ ମୁକ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣା ଏବଂ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଦେଶବନ୍ଧୁ ଧାମନଗରରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ ହେଇକି ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, ଯେ କୁଆଡ଼େ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ କୁଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଥାଇପାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ଯଦି କାହାର ଭାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିବେ ଏବଂ କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିବେ, ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଦେଶବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କହିବେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ ନା।
जदि परिवार रे संपर्क रे राजनीतिर प्राचेरी छिड़ा करिवे तल देशबंधु ना परिवार रहइब ना राजनीति करि पारिबो। म धन्यवाद देबी प्रणव प्रकाश दास को बिजु जनता दल रा सांगठनिक संपादक को जे राजनीति रे संपर्क को आनी ना अकुआ कथा अर्थात प्रचार होतबा कथा को गुरुत्व देना जे मुक्तिकांत बाबू केते परिश्रम करतले बिजु जनता दल को जितेबा पाई देश बंधु एक कथा मु देखी सुधांशु बाबू देखी अनेक कर्मी मध्य देखी किंतु देश बंधु बिजु जनता दल विफलतार कारण आज ओडिशार मुख्यमंत्री बिजु जनता दल सुप्रीमो नवीन पटनायक कही सारी स्पष्ट करी जे विष्णु सेठी का प्रति स्वर्गत विष्णु सेठी का प्रति धामनगर वासी से भल पाइबा एबे भी अच्छी से जड़े लोकप्रिय नेता थिले आ कम समय भितर जेतु निर्वाचन होची तांको पुओ पुणी प्रार्थी हिचंती अनुकंपा रहिबा स्वाभाविक एवं बिजु जनता दल कथा जानितला आमे पराजित होचु। ये भारतीय जनता पार्टी नुहे जे कलबल कौशल सबुठे आमे आधिपत्य विस्तार करिबा पाई कोटे विधायक किणिबे कोटे सांसद किणिबे अर्थात दर्शक बंधु भारतीय जनता पार्टी आज तार निजर आसन को बंचे बारे सफल होची अर्थात विरोधी को निजर आसन छड़ेई नबारे सफल होची। आज भारतीय जनता पार्टी रा तमाम नेता जो माने ए धामनगर विजय रा श्रेय नबा पाई समस्त आगो लाइन रे छिड़ा होती मान्यवर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ठारु आरंभ करी मनमोहन सावंत का पर्यंत समीर महांती का पर्यंत एवं गोलक महापात्र का पर्यंत जो माने आज लाइन रे छिड़ा होती आम को श्रेय दि जाऊ आम धामनगर को धामनगर विजय हासिल कर आज सारा भारतीय जनता पार्टी कर्मी माने इमान को एथपाय श्रेय दबा पाई चाहते जे एते दिन परे बार बार हार परे बार बार पराजय परे आज भारतीय जनता पार्टी निजर आसन को दखल रख करिबारे निज आसन को बजाय रखिबारे सफल होई देश बंधु सेथपाय ते चर्चा एवं लोकों भितर जो उत्कंठा से उत्कंठा होची नवीन पटनायक लोकप्रियता आगे वाड़े बड़ा बड़ा निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी हारी लोक आशा करते नवीन बाबूंर एथर मध्य जितापट हम किंतु दर्शक बंधु इमोशन अनुकंपा आगे आप जिते मास्टर स्ट्रोक दिंतु जिते विकास कथा कहतु कम दब ना जोटी संपर्क कथा आसूँ जो लुहर कथा आस दर्शक बंधु से विकास बहु पछर को जीव नवीन बाबू प्रयास करना सूर्यवंशी सूरज को बिजु जनता दल को आणिकी प्रार्थी करने ये तो हूँ महानता ये तो हूँ बिजु जनता दल जो खासियत आदि बिजु जनता दल देश बंधु चाह था प्रयास करता सूर्यवंशी सूरज आज बिजु जनता दल प्रार्थी हो कि निर्वाचन लड़ी था कहीं रोकी पारि ना कि देश बंधु एक नवीन बाबू भांगी टाणी एक करने भल पाती ना एक आज प्रमाणित आप राजेन्द्र दास को देख राजेन्द्र दास को मध्य द्वितीय बार नवीन बाबू रिक्वेस्ट करना अनुरोध करना कारण ये निर्वाचन मैदान रे जे भी चाहिबो प्रार्थी हो पार जे भी चाहिबो निर्वाचन लड़ी पार क्या रोकबा क्या पचर टाणीबा देश बंधु यहाँ बिजु जनता दल सुप्रीमो नवीन पटनायक नीति नुहे एक आज प्रमाणित होगा देश बंधु समय शेष पचार ओडिशा कार्यक्रम को वर्तमान पर रखा आसंता काली प्राइम टाइम आप देखा से पर्यटन विदाय दिंतु नमस्कार नमस्कार।